कोरोना काल के चलते नीमच शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष गणेश उत्सव मुंबई की तर्ज पर नहीं बना पाएंगे। हर बाजारों में देवों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्मोत्सव की धूम दिखाई देती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र व राज्य सरकार ने चौराहों पर गणेश जी के पांडाल लगाने पर रोक लगा रखी है, जिसे लेकर बाजार में भी गणेश उत्सव की धूम नहीं दिख रही है। लेकिन नीमच में इस बार कुछ युवाओं ने गणपति की आराधना में पर्यावरण की फिक्र करते हुए लोगों को इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को घर घर में विराजित किए जाने को लेकर एक जागरूक कैंप लगाते हुए महिलाओं और बच्चों को मिट्टी के गणेश बनाना सिखा रहे हैं। ये युवा बड़े ही कम खर्च में मिट्टी के गणेश कैसे बनाए जाते हैं, इसे लेकर पूरी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इस बार जैसा कि हम सब जानते हैं कि COVID-19 के कारण हम बना नहीं पाएंगे इतनी गणेश चतुर्थी, और सब मना भी है कि सब इतने इकट्ठे ना हो, तो हमने घर में इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए हैं ताकि ना ही किसी को बाहर भी दिक्कत हो, ना ही कोई बीमार हो, हम घर में ही अच्छे बना सकें। और फिर इसलिए हमने बनाए हैं और हम घर में ही इन्हें बिठाएंगे और फिर इन्हें गमलों में ही विसर्जित कर देंगे ताकि ना ही जीव जंतुओं को कुछ दिक्कत हो, ना ही किसी को कुछ और बीमारी फैले करें। इसलिए हमने खुद ने ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए हैं जो कि मिट्टी के हैं। ऐसा है कि पहले की तरह तो इस बार जो गणेश पांडाल है सजने वाले नहीं है, तो उतनी धूम हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चूंकि गली मोहल्ले हर जगह गणपति जी बिठाए जाते थे। और इस बार ऐसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि हम लोग इस बार बड़े पांडाल नहीं सजाएंगे, तो उतनी धूम भी नहीं रहेगी, उतनी गैदरिंग भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसकी एवज में ऐसा है कि हर घर में गणपति तो बैठेंगे ही, पर वो गणपति बैठेंगे इको फ्रेंडली, और उसी का ही प्रशिक्षण हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं। और जो बच्चे लोग आ पा रहे हैं यहाँ पर, जो महिलाएँ जो बालिकाएँ हैं जो आ रही हैं क्लासेस पे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम लोग इको फ्रेंडली बना रहे हैं, गणेश जी सिखा रहे हैं। अब जो इको फ्रेंडली गणेश होते हैं वो होता है कि ऐसी मिट्टी जो कि विसर्जित करते ही से ही गल जाए। और आप जानते हैं कि बहुत समय पहले ऐसा था कि जो गणेश मूर्ति का जो विसर्जन करते हैं, जो भी नदी नालों में जहाँ पर भी हम लोग करते हैं, वहाँ पर विसर्जन करने के बाद वो मूर्ति गलती नहीं है, सालों वो मूर्ति वहीं पर हम लोगों को देखने को मिलती है। इससे भगवान का तो हम लोग अपमान कर ही रहे हैं और जीव जंतु भी उससे मर जाते हैं, चूँकि वो केमिकल युक्त तो होती है। इको फ्रेंडली हम लोग अगर बनाते हैं तो वो हम लोग घर में ही गमलों में उनको विसर्जित कर सकते हैं, उसमें हम लोग तुलसी का पौधा ज़रूर लगा सकते हैं। तो इससे ना तो भगवान को हम लोग कोई क्षति पहुँचा रहे हैं, ना उनका अपमान कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा अच्छा ये कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली का मैसेज हम लोग सभी को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाजार में भी इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बहुत सारे ऐसे कुम्हार हैं जो बनाकर बेच रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बैठक भी हुई थी जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, सभी अधिकारी उपस्थित थे, मीडिया के साथी भी उपस्थित थे। सबके बीच में ये निर्णय लिया गया था कि जो गणेश चतुर्थी है उसमें कोई बड़ी प्रतिमाएँ स्थापित नहीं की जाएंगी। शासन के भी ये आदेश हैं कि बड़ी प्रतिमाएँ या पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। ये कोविड के दौरान ये बेहतर है। जहाँ तक पर्यावरण का प्रश्न है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम छोटी मिट्टी की प्रतिमाएं गणेश जी की बनाएं, उनका विसर्जन भी यथासंभव जो घर में जो तुलसी के पौधे का अपना गमला होता है वहाँ पे करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम बाहर, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम बाहर जाएँ या उसको। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।